बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप सो यू आर ऑल फाइन विद गुड हेल्थ। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम दारुलूम स्कूल। नाउ स्टूडेंट, इट्स द टाइम ऑफ इंग्लिश लेक्चर, सो टेक आउट योर इंग्लिश रीडिंग बुक। लास्ट टाइम हमने इंट्रिक्लस की रीडिंग की थी ना। नाउ स्टूडेंट, टूडे विल सॉल्व एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट, टूडेज टास्क इज लर्न पर। डू यू नो स्टूडेंट व्हाट्स अ वर्क टुडे? आज हम पर लर्न करेंगे और स्टूडेंट्स इसको ब्रेक करके देन वी विल लर्न। सो टेक आउट योर रीडिंग बुक, पेज नंबर 34। ओके स्टूडेंट, नाउ ओपन योर रीडिंग बुक, पेज नंबर 34। रिमेंबर हाउ यू लर्न टू ब्रेक अप लॉन्ग वर्ड्स सो दैट दे आर इजी टू से। डू यू नो स्टूडेंट, तुझे वर्क इज लर्न स्पेलिंग। और आज जो है वो आप लर्न करेंगे कि जो वर्ड्स जो आपने क्लास वन में तो छोटे छोटे वर्ड्स को रीड किया ना, नाउ योर लेवल हैज चेंज। अब आपका लेवल चेंज हो गया, नाउ यू आर इन क्लास टू। तो वर्ड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो बिग हो जाते हैं, तो जो बिग वर्ड्स के लिए आपने वरीड नहीं होना। यू कैन स्पेल वेरी इजिली, आप उनको इजिली स्पेल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सिलेबस। हमने ग्रेड एस में भी ये वर्क किया है, सो वी आर डूइंग दिस वर्क अगेन। Use the same trick to learn the spelling of longer words. Look at these words and how they are broken up. Do you know student what's the meaning of this word? Broken up में आप word को break करते हैं, then फिर आप उसको pronounce करते हैं। Now learn the spelling. ओके स्टूडेंट, स्पेल लर्न करने के लिए और words को read करने के लिए, उसकी proper pronunciation के लिए आप क्या करेंगे? You know student what's the word is this? Master. Master. Again read करें student, master. Master. Okay, now come on second word, suddenly. 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 Now come on third word, afraid. 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 Now come on fourth word, and very interesting word because the story was on this word, इसी word पे, यानी कि इंट्रक्लस पे थी ना फुल स्टोरी। Andrucles. Now come on fourth word, desert. हमने रीड किया हुआ है ना, ये सारे वर्ड्स हमने स्टोरी में रीड किए हैं। तो डेजर्ट मीन्स सहरा है, और एक डेजर्ट स्टूडेंट वो होता है जो स्वीट डिश होती है। तो desert. Now come on next word, loudly. loud. loudly. Loudly. आप देख रहे हैं वर्ड्स को ब्रेक किया हुआ है, एंड दिस वर्क इज कॉल्ड स्लेबल। इसमें आप स्लेबल में रीड कर रहे हैं, टू स्लेबल भी होता है और थ्री स्लेबल भी होता है, ठीक है? आप देख रहे हैं टू स्लेबल भी है और वन स्लेबल भी है। नेक्स्ट है टुगेदर, टी ओ टू जी ई टी एच ई आर, टुगेदर. नाउ कम ऑन लास्ट पर, जेंटली, gently. ओके स्टूडेंट, आपने भी इसी तरह इसको प्रोनाउंस करना है, और आपने क्या करना है, प्रोनाउंस करके इसको आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है, ठीक है? लर्न करने के बाद आप इसको जब आप राइट करेंगे तो फिर आपको स्पेलिंग भी लर्न हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट, टेक आउट योर इंग्लिश वर्क बुक। नाउ वी विल सॉल्व पेज नंबर 7। डू यू नो पेज नंबर 7 पे क्या दिया हुआ है? पेज नंबर 7 पे आपके मल्टीपल क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे जो चॉइस थी वो करेक्ट वन को आपने रन करके कहाँ गया था। ओके स्टूडेंट, टाउन से उसने रन किया था, तो कहाँ गया था? डेजर्ट। सो स्टूडेंट सर्कल थर्ड वन, कम ऑन नेक्स्ट, Why did not the lion eat Androclus when they first met? जब पहली दफ़ा जो लाइन था एंड्रक्लस से मिला, तो उसने उसको क्यों नहीं खाया था? ओके स्टूडेंट, कोई भी उसने उसको हार्म नहीं किया था, ना ही कोई नुकसान पहुँचाया था, तो ऐसा क्यों था? Because Androclus was too thin.
The lion spur was her and Douglas had a sword. The lion was not angry. आप बताएं इसमें से स्टूडेंट और टेल मी कि इसमें से करेक्ट वन क्या आपको पता है ना कि आपने पिक्चर में भी देखा था और हमने रीडिंग में भी डिस्कस किया था कि लाइन फॉर वॉज हर्ड सो सर्कल सेकेंड वन नाउ कम ऑन थर्ड व्हाई वॉज एंड्रिक्लस पुट इन द केज एंड्रिक्लस को केज में क्यों डाला गया था ही वॉज अ रन अवे स्लेव ही डिड अ बैड जॉब एंड्रिक्लस हैड हेल्प अ लाइन इट वॉज Engage the lord to lead with the line. Okay, now tell me student, जल्दी से think करो, think करके मुझे जल्दी से शाबाश आंसर दें. I know you are a very intelligent student, और आप जल्दी से ये work खुद ही कर लेंगे. Why was Androclus put in a cage? इसको cage में क्यों डाला गया था? Because he was a run away slave. वो एक भागा हुआ कौन था? गुलाम था. Now come on third. What did the man think would happen with Androclus? लोगों ने क्या सोचा था लास्ट पे आपको पता ना स्टोरी हमने रीड की थी जब सारी स्टोरी में दोबारा से वही वाला लाइन जो था केव वाला उसको मिलते हैं तो लोग क्या सोच रहे थे अब Androclus के साथ क्या होगा द लाइन वुड लिक Androclus द लाइन वुड किल Androclus या नेक्स्ट है Androclus वुड किल द लाइन Androclus वुड राइड ऑन द लाइन नाउ स्टूडेंट टेल मी विच वन द करेक्ट अब इसमें करेक्ट आंसर कौन आएगा शाबाश जल्दी से मुझे बताएं वेरी गुड स्टूडेंट Yes. Second, the lion would kill Androclus. क्योंकि लोग यही सोच रहे थे ना कि जो लाइन है वो Androclus को किल कर देगा बट ऐसा नहीं हुआ था Now come on last. What is the theme of the story? चलिए क्लास जल्दी से मुझे बताएं स्टोरी को हमने रीड भी किया था और बार बार हमने इसको डिस्कस भी किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टोरी का थीम क्या है ग्रीड लालच है द पावर ऑफ फ्रेंडशिप या दोस्ती की पावर आएगा थर्ड है ब्रेवरी आएगी या काइंडनेस आएगी तो क्या है क्लास वेरी गुड शाबाश जल्दी से आप बताएं फोर्थ वन एक्सीलेंट स्टूडेंट काइंडनेस आएगी क्योंकि वो बहुत मेहरबानी वाला हुआ था ना ऐसे ही क्या हुआ था कि जब उसने Androclus ने उसकी हेल्प की थी तो इन रिटर्न जो था लाइन ने भी उसकी हेल्प की थी अब स्टूडेंट नाउ यू कैन सी व्हाट इज इन दिस पिक्चर इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना कि लाइन फॉर का बैक पार्ट जो बना हुआ है और आपने इसको क्या करना है लेबल करना है लेबल द लाइन्स बैक पॉ विद द क्लॉ एंड टॉर्च ओके स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं ना दिस पार्ट इज कॉल्ड क्लॉ ओके राइट नेक्स्ट आ जाएंगे और ये जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा दिस पार्ट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड टॉर्च एंड द लास्ट पे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं बैक Okay, student, now complete this page and learn. Allah Hafiz, take care and revise your lesson properly.